हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू एज गुरु। और आज हम लोग इस वीडियो में बिहार स्पेशल जीके का चौथा प्रैक्टिस सेट देखेंगे। कुल 20 प्रश्न शामिल किए गए हैं, सभी पे चर्चा करेंगे जहां भी जरूरत होगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किस पाल शासक को कहा जाता है? पहला का सही उत्तर है ऑप्शन डी, महिपाल को। ठीक है, और पाल वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल। प्रतिहार शासक वत्सराज एवं राष्ट्रकूट शासक ध्रुव को पराजित करने वाला पाल शासक कौन था? दूसरा का सही उत्तर है ऑप्शन ए, धर्मपाल। भारत में तुर्कों के आगमन का प्रारंभिक इतिहास किस पुस्तक में है? तीसरा का सही उत्तर है ऑप्शन सी, तबकाते नासरी। और इसका लेखक कौन था? मिन्हास। और उसका पूरा नाम था मिन्हाजुद्दीन सिराज। ठीक है, इस पुस्तक में मोहम्मद गोरी की भारत विजय तथा तुर्की सल्तनत के आरंभिक इतिहास की लगभग 1260 ईस्वी तक की जानकारी मिलती है। अकबर के समय में कानून बनाकर किस प्रथा को निषिद्ध कर दिया गया था? चौथा का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सती प्रथा को। सैफ खान का मदरसा जो कि पटना में है, इसका किस प्रसिद्ध ईरानी यात्री ने 1807 में भ्रमण किया था? पांचवा का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अहमद बहानी ने। ठीक है, मुल्ला तकिया अकबर के समय में आया था, मोहम्मद सादिक ये भी ईरानी यात्री था, यह 1619-20 में बिहार आया था। किस प्रसिद्ध जर्मन शोधकर्ता ने मिथिला चित्रकला पर शोध कार्य किया है? छठा का सही उत्तर है ऑप्शन सी, एडिक स्मिथ ने। कली का अंश, सर्व शत्रांतरक, दूसरे परशुराम का अवतार, भार्गव, एकराट आदि किस राजा को कहा गया है? क्षत्रियो का नाशक भी। दूसरा का सही उत्तर है ऑप्शन बी, महापद्म नंद को। ठीक है, नंदबंद का ये संस्थापक भी था। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित करने वाले राजा का नाम क्या था? आठवां का सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग। कालाशोक भी उसी के वंश का था, किसको? काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है, काकवर्ण। पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? नौवां का सही उत्तर है ऑप्शन ए, उदयन ने। किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? दसवां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदयन ने। भगवा चौर बिहार के किस जिले में स्थित है? ग्यारह का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सहरसा में। द्वितीय अफगान साम्राज्य के संस्थापक के रूप में किस शासक को जाना जाता है? बारह का सही उत्तर है ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी या शेर खान को। अकबर का अग्रदूत किस शासक को कहा जाता है? तेरह का सही उत्तर है ऑप्शन डी, शेरशाह को। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के प्रयासों से हुई थी? चौदह का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुमारगुप्त प्रथम। मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल किसके शासनकाल में पड़ा था? पंद्रह का सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान करने वाले शासक का नाम क्या था? 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश का था, बिंदुसार मौर्य वंश। ठीक है, इन दोनों नामों में कंफ्यूज नहीं होना है। पाटलिपुत्र का नामकरण पटना किस शासक ने किया? 17 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी ने। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही बनी रही? 18 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिशुनाग वंश का शासक
कालाशोक ने। सासाराम स्थित शेर शाह का मकबरा किस शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना है? उन्नीस का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से ज्यादा, ठीक है। अफगान शैली या शूर शैली दोनों एक ही है, ठीक है। चार्वाक दर्शन का विकास किस संप्रदाय ने किया था? बीस का सही उत्तर है ऑप्शन ए, लोकायत संप्रदाय, ठीक है। चार्वाक ऋषि के अनुयायी लोकायत संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। और इनके श्लोकों का वर्णन जो है बौद्ध और जैन साहित्य में मिलता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मुझे आशा है कि वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूले, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।